नमस्कार, मैं हूं आचार्य पी खुराना। कई बार देखा गया कि आप अपने नए मकान में शिफ्ट करते हैं तो आपको अपने पुराने घर की याद ताजा होती है, ये सोचकर कि जब से मैं एक मकान में शिफ्ट किया है तब से लेकर अब तक आपका बिजनेस में नुकसान हो रहा है, या आपके बच्चे पढ़ाई में नालायक हैं, या कुछ तो कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही, तो आपने क्या करना, एक बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपके अपने घर में सब ठीक ठाक चल रहा है और नए मकान शिफ्ट करने की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसी घर की मिट्टी एक लाल कपड़े में बांधकर, एक चुटकी मिट्टी, उसको फिर तांबे के बर्तन में ढककर उस मिट्टी को जरूर साथ ले जाइए, क्योंकि ये घर जहां से आप शिफ्ट करने वाले हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी रहा है। उस डिबिया को आप नए घर में घर के आंगन में दबा दीजिए। पर आप ये कहेंगे कि हम तो जी फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, हम सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, उस मिट्टी को आप किसी अलमारी में रख सकते हैं। अगर पुराना मकान आपका वो भी किसी स्टोरी में था, या आपका वो मकान ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, तो उस घर का कूड़ा थोड़ा सा इकट्ठा करके एक चुटकी आप लाल कपड़े में बांध कर उसको वहां पर ले जाइए। निश्चित तौर के ऊपर आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट।